कुछ बच्चों का जैसे डाउट था कि सर हम दूसरी बुक्स करते हैं तो उससे हमको एनसीईआरटी की लाइन वाले क्वेश्चंस नहीं बनते। एक बात आप बहुत अच्छे से समझ लो बेटा, यदि सारा का सारा आप एक साथ करोगे ना, जैसे मान लो मैं क्या करूं, यहां पर मान लो मैं आपको पहले पढ़ा दूं और पढ़ाने के बाद में मैं आपको एनसीईआरटी की लाइन तुरंत अंडरलाइन कर दूं, तो इमीडिएटली आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझो, आपसे तुरंत क्वेश्चन बन जाएंगे। लेकिन आप 15-20 दिन बाद ना आपके हाथ में कॉन्सेप्ट रहेगा ना आपके हाथ में वो एनसीईआरटी की लाइन रहेगी, दोनों ही चीजें आपसे छूट जाएंगी, मिस हो जाएंगी। तो आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि आपको जम के नोट्स को प्रैक्टिस करना है। नोट्स 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 नोट्स, समझ में आ गया? आपको नोट्स को मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करना है। जब नोट्स हो जाएगा, देखो मेरे पास एनसीईआरटी रिकॉर्डेड है, मैं कभी भी भेज सकता हूं, लेकिन मैं क्यों लेट भेजूंगा? जब आपके नोट्स परफेक्ट हो जाएंगे उसके बाद एनसीईआरटी करनी है। उसमें आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे जो पॉइंट्स आपके नोट्स में नहीं रहेंगे। मैंने आपको बार बार बोला वो इंडिपेंडेंट पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स को बाद में करेंगे। जब बाद में करेंगे तो वो तुरंत याद हो जाएंगे। करके तो देखो, करके तो देखो, समझ में आ गया? सारे रैंकर्स जो है इसी मेथड को फॉलो करते हैं, तुम सिलेक्ट तो हो ही सकते हो, करके तो देखो जरा, समझ में आ गया? तो ये बात सभी को अच्छे से क्लियर हो गई। और मैं बार बार बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, जब तक आपने 5 बार लिखा नहीं तब तक दिमाग में घुसा नहीं ये कॉन्सेप्ट। यदि ये फंडा आपने बिठा लिया, हर सब्जेक्ट में आपने बिठा लिया, पहले नोट्स को करो मल्टीपल टाइम्स। जब तक नोट्स ना हो जाएं तब तक आप एनसीईआरटी को, तब तक आप डीपीपी को मत उठाओ। समझ में आ गया? सर डायग्राम से कॉपी भर जाती है, ट्रस्ट करना, ट्रस्ट करना, इस बात को बार बार बोल रहा हूं, डायग्राम से कॉपी भर जाएगी, भर जाने दो। तुम्हारी 5 कॉपी क्या 10 कॉपी भी भर जाएंगी, लेकिन उनको रिवाइज करने में टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, तुम खुद देख के दंग रह जाओगे और ये तरीका तुम सीख जाओगे। और फिर ट्रस्ट करो, मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद में भी तुम बोलोगे सर अब कैसे पढ़े, अब और अच्छे से बताओ। बात समझ में आ गया? तो इसीलिए इस बात को समझो, जो समझ जाता है वो सिलेक्ट हो जाता है। हर कोई समझ भी नहीं सकता, क्यों? क्योंकि हर कोई सिलेक्ट भी नहीं होने वाला है। समझ में आ गया? तो वही पर्सन समझ सकता है जो सिलेक्ट होना चाहता है। क्लियर हुआ?